गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है गोवा ट्रिप का डे 3। तो अभी मैं कमरे से बात कर रहा हूँ, रूम से। तो आज हम नॉर्थ गोवा ट्रेवल करेंगे, कल हमने साउथ गोवा किया था। तो आज का ट्रिप जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें हम बीचेस और फोर्ट्स एक्सप्लोर करेंगे जो भी गोवा के अंदर हैं अच्छे। तो अभी थोड़ी देर में हमारी बस आएगी, उसमें हम बैठ के जाएंगे। तो बस बुक करने के आपको फ़ायदे बता देता हूँ, शटल बस बुकिंग। तो अगर आप ऑटो से बुक करके जाते हो या टैक्सी बुक करते हो तो आपका खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, और स्कूटी रेंट पे ले रखा है तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। या गाड़ी रेंट पे ले रखा है, हमारे पास तो रेंट पे गाड़ी ले नहीं सकते ना, तो हमने बस बुक कर लिया। तो 700 रुपये में पूरा नॉर्थ गोवा में जो भी बीचेज़ हैं, फोर्ट्स हैं, सब हमारे सब देखने को मिल जाएगा 700 रुपये में। तो अगर आप कम बजट में अगर अच्छा पूरा गोवा घूमना हो, गोवा घूमना चाहते हो, तो आप बस बुक कर सकते हो, के लिए कन्वीनियंट रहेगा। बाकी मैं बस में पहुंच के आपसे बात करता हूँ। कर लिया मैंने, सब लोग जा रहे हैं, आपको भी जाना है तो आप टिकट ले लेना। और इसके बाद अंजुना बीच, वेगेटर बीच, एक मंदिर है, तो वहाँ पे भी पेड़ है क्या? नहीं, वहाँ पे पेड़ नहीं। बाद में और एक है स्नो पार्क, स्विट्जरलैंड का मजा गोवा में उठाएंगे। हेलो, वहाँ पे 1.5 घंटे के लिए 500 रुपया है। तो उनका भी पैसा उन्होंने मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, ताकि उधर जाके लाइन में रुकने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट एंट्री हो जाएंगे। स्नोफॉल में तो जाना नहीं है, स्नो पार्क में बड़ा बीच है, काफी लोग यहाँ पे दिख रहे घूमते हुए। तो मैं तो घूमने जा रहा हूँ। गाइस, हम अभी बोट राइडिंग करने जा रहे हैं, वो सामने नजर आ रही है, उसमें हमें जाके बैठना है। फटाफट जाके उसमें बैठ जाते हैं, बोट राइडिंग शुरू हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। गाइस, हम बोट पे बैठ चुके हैं,
और राइट पे जाके वापस नीचे ही आने का, ऊपर नहीं आने का, समझ गया? अभी गाड़ी जहां पे उतरेगा वहीं पे आपको रिटर्न गाड़ी में आने का, ठीक है? अभी टाइम कितना बजा आपके गाड़ी में? 12:40 बजा है, तो हम लोग यहाँ पे 45 मिनट सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ से 1:25 को निकलेंगे, 1:25 को निकलेंगे। इसके बाद मंदिर का दर्शन, मंदिर होने के बाद 2 बजे खाने को रुकेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। जो ना बीच पे एंटर करना, बीच ये सिर्फ फॉरनर्स के लिए, बट बीच पे अभी घूमेंगे और क्या। यहाँ हमने अपनी कुछ फोटोज खिंचाई, कुछ सोलो, कुछ हम बोटा हाथ में पकड़ते हुए, कुछ साथ में समुद्र किनारों के पीछे, ये जूम करके है 2x, ये और 4x, 3x, और हमने बहुत सारी फोटो साथ में खिंचाई, और बहुत कुछ ये पत्थर के ऊपर फोटो खिंचाई मैम की, मेरी वाइफ की, और कुछ में मेरी भी आएगी, आगे आएगी। ये देखो मेरी वाली आ गई फोटो, चश्मा और टोपी लगा के स्टाइल में हीरो बन के फोटो खिंचा रहे पत्थर पे बैठ के, समुद्र के लहरों को ताड़ रहे हम बिल्कुल। और ये हमने साथ में फोटो खिंचाई पत्थर। दोपहर के 2 बजे थोड़ी भूख लग रही, तो लंच ऑर्डर किया, ऑर्डर के दिखाता है। लंच में हमने ऑर्डर किया है एक वेज थाली, जिसमें दो नान है, थोड़ी बहुत चावल है, एक रायता है, गुलाब जामुन है, पनीर की सब्जी है, डाइजेशन के लिए सब्जी है, दाल है, छोले, ये सैलेड है, ये पिकल है, ये पापड़, तो हम इसको खाना शुरू कर दिया। तो यार हमने लंच कर लिया है, लंच की बात करूँ तो लंच काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं इसको 8 आउट क्वालिटी में इसको 9 आउट दूंगा, और प्राइसिंग में इसको मैं 8 आउट दूंगा, थोड़ी सी ज़्यादा खाने में खाने मजा आ गया। एक और नहीं दिखाता, ये देखिए कॉकटेल सेक्शन में आके नीचे, ये 6 नंबर पे है, 6 नंबर, ये कॉकटेल है सेक्शन की महंगी है, महंगी तो सबसे महंगी तो नहीं है, 520 रुपीज़ की है, 600 रुपीज़ कैसे कॉकटेल है नाम, बड़ा जी का बना, हमने ट्राई करता नहीं, थोड़ा सा कुछ दिखा रहे हैं, ऐसा कॉकटेल भी होता है। तो वैसे भी हम होटल वापस नहीं जाएंगे, अभी हम बागा बीच जाएंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे नहीं था, कम था, इसलिए मैं होटल ज्वाइन कर रहा हूँ। मीरामार बीच और अंजुना बीच, दो बीच पे हम विजिट कर चुके हैं, अब तीसरे बीच पे जाएंगे बागा बीच। तो हम ऑन द वे हैं, हम जस्ट बागा बीच में थोड़ी देर में एंटर करने वाले हैं। सो फाइनली हम बागा बीच पे आ चुके हैं, ऐसा है बागा बीच देखने में।
मैडम जी, हेलो मैडम, काफी बड़ा पिक्चर है, बहुत बड़ा पिक्चर है मैडम जी, काफी लोग आप यहाँ पर, काफी सारे लोग अभी दिखे यहाँ तो समुंदर के भी एक चीज बड़ी कमाल की देखने को मिलती है, वो सब समुद्र के अंदर घुस के नहा रहे हैं, ऐसे मेरी हिम्मत नहीं हुई नहाने की, क्योंकि मैं पानी देख के मेरी खटके हाथ में आ रही है, और अभी मैं खड़ा हूँ तो अभी मेरे पैर के ऊपर से पानी निकल रहा है, वैसे मुझे अच्छा ही लग रहा है, मज़ा ही आ रहा है, बीच में अलग ही मज़ा है समुद्र का, बहुत सारी शिप्स मुझे काफ़ी दूर तक सारी शिप्स नज़र आ रही हैं, ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है बीच का, ये कहूँगा मज़ा आ गया, क्या क्या मन तृप्त हो गया यार, बीच का भी बड़ा प्यारा लग रहा है, मेरे पीछे कई लोग आपको ना भी दिख रहे होंगे पीछे ना रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी एक्चुअली बहुत चला दिख रही, मैं भी जरूरत है जिसके घर बैंक के पास पानी निकल रहा है, अच्छी बात ये मुझे बड़ा सही लग रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, और वाइब है बड़ा पॉजिटिव है, बीच के अंदर मुझे पर्सनली बीच में बड़ा अच्छा लगता है, बीच का अलग ही एक्सपीरियंस है, एक बार मैं केरला गया था, वहाँ का बीच अच्छा था, इतना ही बड़ा था, और जो बीच भी जा चुका हूँ, बीच का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इन्जॉय करता हूँ बीच पे, और आपसे होटल पे मिलते हैं। तो यहाँ हमने सोचा कि हम थोड़ी रनिंग करते हैं, मतलब थोड़ी स्प्रिंट लगाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमने 100 मीटर की एक स्प्रिंट लगा दी, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बीच की ओर भाग रहा हूँ, आसानी मिट्टी पे भागना, मिट्टी में पैर अंदर धंसते हैं, फिर भी यार थोड़ा सोचा थोड़ा करते हैं, थोड़ी बॉडी को एक्टिव करते हैं, नहीं दौड़ लगा दी, मज़ा आया वैसे भागने में। तो यहाँ मेरे अंदर का शाहरुख खान जाग गया, और मैंने शाहरुख खान जैसे एक प्यारा सा पोज बनाया, उसके बाद मैंने एक दिल का शेप बनाया, फ्लाइंग किस भी दी, फिर आराम से चलता हुआ मस्ती में आगे आया, और पॉकेट में हाथ डाल के सर पे तड़का मैंने डांस स्टेप किया, फिर आराम से कम ऑन बोल के वापस आया, और भाई दिल खुश हो गया मेरा। तो यहाँ हमने मछली काट मसाज कराया, जब ये मछली काट के आपको मसाज देती है, बेसिकली मसाज में आपको बड़ी गुदगुदी होती है, और गुदगुदी आपसे सहन नहीं होगी, पहले 10 सेकंड आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी हमने ये मछली काट मसाज करवाया और हमारी लिटरली हालत ख़राब हो गई, बट तो पहले 10 सेकंड में नहीं कर सहन कर पाए, बट उसके बाद हम आराम से पानी में पैर डाला, आराम से मसाज कराया हमने, इस मसाज में बड़ा इंजॉय किया, हमें बड़ा मज़ा आया, मछलियों ने हमारे पैर काट काट के मज़े ले लिए पूरे, और भाई मज़ा आ गया। फिर हमने शाम को 7:30 बजे क्रूज पे चलने का फैसला किया, हम फिर पॉल क्रूज पे गए, और क्रूज से हमने एक प्यारी सी वीडियो बनाई पूरे गोवा सिटी की, कितना प्यारा व्यू लग रहा है, वो फ्लाई वो ब्रिज जुवारी ब्रिज है वो, कितना प्यारा चमक रहा है, और ये पीछे वो नया क्रूज बन रहा है उसकी फोटो है, और ये हमारे क्रूज की फोटो है, सब कुछ मतलब कितना अच्छा लग रहा है देखने में, क्राउड वैसे कम था पर यहाँ पे क्रूज पे आके यार काफ़ी मज़ा आया। तो हम अभी यहाँ क्रूज के अंदर बैठे हैं, और यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस चल रहा है, और ये गोवा के लोकल डांसर्स हैं जो कि गोवा का ट्रेडिशनल डांस शोकेस कर रहे हैं, और ये डांस काफ़ी सिंपल है, बट यार थोड़ा सा लगा यार
एंटरटेनिंग कम लगा, बट लगा कि हाँ भाई चलो ट्रेडिशनल डांस है तो ट्रेडिशनल तरीके से ही होगा। तो हमने डांस को मतलब इनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये परफॉर्मेंस जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी इन्होंने मेहनत करी डांसर्स ने, और हम इनकी मेहनत को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। सो वी आर फाइनली बैक टू आवर रूम, मतलब रूम में ऑन द वे पहुँच गए ऑलमोस्ट बस। तो आज का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, नॉर्थ गोवा का काफ़ी मज़ा आया। तीनों मतलब तीनों बीच हम घूमे, मीरावर बीच, अंजना बीच और बागा बीच। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा बागा बीच में। बागा बीच का जो वाइब था बेस्ट था, मतलब क्राउड के आसपास बहुत सारे कैफेज, तो भाई वाह वहाँ का तो मुझे बहुत मज़ा आया बागा बीच का। और अंजना बीच का भी मतलब नया ही था, मतलब खास तो कुछ लगा नहीं, क्राउड कम था। बागा बीच में बहुत अच्छा क्राउड था। तो मेरे भैया अगर जाना है नॉर्थ गोवा में घूमने, बागा बीच पे डेफिनेटली जाओ। और एक और चीज़ करी मैंने, फुट मसाज कराया, एक्सपीरियंस तो बड़ा मस्त। और वो जो मछली काटती है ना गुदगुदी होता है वैसा वाला फुट मसाज कराया पानी में। तो पहले तो मैं बैंड बज गई 10 सेकंड, ऐसा हो गया। फिर नॉर्मली फिर मज़ा आने लगा 10 सेकंड के बाद तो। और फिर ऑन द वे हम वापस बस से वापस आ गए होटल में। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खैर आज का तो पूरा हो गया, अब मैं कहीं नहीं घूमने जाऊँगा, घूमना बहुत हो गया। तो वैसे घूम रहे तो आज का तो मेरा हो गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन याद से प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। भी शर्ट उतार रहा हूँ मैं, दिखाऊंगा नहीं।